हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेक माय एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हाइब्रिड। दोस्तों, रोज की तरह आप सभी का स्वागत है आपके शो के अंदर, जिसका नाम है करंट अफेयर्स द वेकअप शो विद कुमार संभव। तो यहां पर कल हम तकनीकी खामी के कारण नहीं आ पाए थे, तो यहां पर जो न्यूज आपके सामने आएगा वो 15 जुलाई से 17 जुलाई, जी हाँ, संडे, मंडे और आज की खबर हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार। जल्दी से आइए हमारे साथ जुड़िए और चलते हैं रोज की तरह किसकी तरफ, तो करंट अफेयर्स के सफर की तरफ, जहां पर हमें बहुत कुछ सीखना है और सिखाना भी है। तो यहां पर हमने न्यूज को किस अंदाज में बांट रखा है, तो न्यूज को हमने सेगमेंट में बांट रखा है, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, बैंकिंग, फाइनेंस, अपॉइंटमेंट, अग्रीमेंट की बातें, स्पोर्ट्स की बातें और उसके अलावा रैंकिंग, सर्वे, तमाम उन बातों के ऊपर नजर रखी जाती है जहां से न्यूज जो है आपके पेपर में क्वेश्चंस के तौर पर पूछे जा सकते हैं। और यहां पर सेशन खत्म नहीं होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, तो 10 to 12 MCQs इन द फॉर्म ऑफ क्विज जो है हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो क्विज के माध्यम से आज के सेशन को रिवाइज कराने की भी कोशिश करते हैं, तो भरपूर पैकेज देने की एक पूरा हमारा प्रयत्न रहता है। तो यहां पर हमारे साथ जल्दी से जुड़िए, लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चलते हैं, समय को जाया नहीं करेंगे, अपनी पहली खबर की तरफ। और ये रही हमारी पहली खबर, फीफा वर्ल्ड कप 2018। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप जिसे हमने कल कवर करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसे कल कवर नहीं कर पाए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो यहां पर हम जरूर कवर करेंगे इस खबर को। और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, फीफा वर्ल्ड कप 2018, तो फुटबॉल का महाकुंभ जो है वो एक महीने के अंतराल के बाद समाप्त हो गया और फ्रांस जो है वो विजेता बनकर उभरी है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 के तमाम फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा और अपने व्यूज जो है हमारे साथ साझा करते रहिए। तो यहां पे हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि रोज की तरह आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018, तो तस्वीर में आपको कौन दिख रहे हैं, तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 के मैस्कट शुभंकर, तो जाबी कावा द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप का ऑफिशियल शुभंकर कौन, मैस्कट कौन, जाबी कावा, जो एक वुल्फ है। और जाबी कावा का मतलब होता है रशिया में वन हु स्कोर्स, जो स्कोर करता हो उसे जाबी कावा कहते हैं, और जाबी कावा एक फॉक्स जो है उसको उन्होंने वहां पर बनाया, तो जाबी कावा ऑफिशियल मैस्कट। देन बात करेंगे फ्रांसीसी टीम की, तो ये फ्रांसीसी टीम जो विजेता रही, इसकी खूबसूरत तस्वीर जहां पर 20 साल के अंतराल के बाद पहली बार फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था 1998 में, और इस बार उन्होंने दूसरी बार इस खिताब को जीता। और इसके बाद इस डिटेल को करेंगे, तो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं इमैनुअल मैक्रों दिख रहे हैं, जियानी इन्फेंटिनो दिख रहे हैं जो फीफा के अध्यक्ष हैं, और बीच में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी दिख रहे हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 फाइनल, फ्रांस आर द न्यू चैंपियंस। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 फ्रांस जो है वो नए चैंपियंस बने हैं। तो ये देख लीजिए, यहां पर प्रशंसक भी मौजूद अलग अलग वेशभूषा में। तो फ्रांस बीट क्रोशिया, तो फ्रांस ने एक अनदर यूरोपियन टीम को हराया, तो फाइनल में दो टीमें थी, फ्रांस और क्रोशिया। तो क्रोशिया एक ऐसी टीम बनकर उभरी जिसने सबका दिल जीत लिया, फ्रांस विजेता जरूर है लेकिन क्रोशिया ने भी दिल जीता। तो फ्रांस बीट क्रोशिया 4-2 इन द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। फ्रांस वॉज द फर्स्ट टू गेट ऑन द बोर्ड आफ्टर मेंडुजिक स्कोर्ड एन ओन गोल इन द 18th मिनट। तो 18वें मिनट में पहला गोल फ्रांस को जरूर मिला, लेकिन ये आत्मघाती गोल था, ओन गोल था मेंडुजिक के द्वारा, जो क्रोशिया के प्लेयर। फ्रांस वेंट इन टू द हाफ टाइम ब्रेक विद द 2-1 लीड, और हाफ टाइम तक फ्रांस 2-1 से आगे निकल गया। उसके बाद उसके शानदार प्लेयर फ्रांस के पोगबा, पोल पोगबा और क्लियन एम्बापे ने स्कोर करके बहुत ही क्विक सक्सेशन में फ्रांस को 4-1 से आगे कर दिया। उसके बाद मांडुजिक ने कोशिश जरूर की, क्रोशिया ने कोशिश जरूर की, लेकिन वो फिर 4-4 की बराबरी ना कर सका और ये मैच क्रोशिया हार गया। तो इंग्लैंड कैप्टन हैरी केन, इंग्लैंड के कैप्टन हैरी केन बहुत ही युवा प्लेयर, इन्होंने गोल्डन बूट का अवार्ड जीता, गोल्डन शू, गोल्डन बूट उन प्लेयर को दिया जाता है जिसने टूर्नामेंट में, फीफा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल किए हों। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 में हैरी केन ने 6 गोल्स किए, जिस बदौलत इनको गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया। देन लुका मॉड्रिक ऑफ क्रोशिया, क्रोशिया के कैप्टन है ये लुका मॉड्रिक,
गेट्स द गोल्डन बॉल अवार्ड, और इनको गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया। गोल्डन बॉल अवार्ड उस प्लेयर को दिया जाता है जो टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर साबित होते हैं। तो यहां पर एक कमेटी बैठी होती है जो ये डिसाइड करती है कि टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन किसका प्रदर्शन रहा। तो लुका मॉड्रिच जो है उनका प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा, यह मानना है फीफा वर्ल्ड कप कमेटी का, जिनको उन्होंने गोल्डन बॉल दिया। तो यहां पे लुका मॉड्रिक को गोल्डन बॉल मिला जो क्रोशिया के कैप्टन है। देन किलियन एम्बापे ऑफ फ्रांस विंस द यंग प्लेयर अवार्ड। किलियन एम्बापे जो बहुत ही कम उम्र के हैं और फ्रांस की तरफ से खेलते हैं, इनकी तेजी जो है ग्राउंड पे देखने लायक बनती थी और इनको यंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया। पेले, दुनिया के सबसे महान प्लेयर, ब्राजील के फॉर्मर प्लेयर पेले ने अपने साथ इनकी तुलना करी और उन्होंने बोला कि स्वागत है हमारे क्लब में जिसने यंग होते हुए वर्ल्ड कप को जीता हो। तो यंग प्लेयर अवार्ड इनको दिया गया। देन बेल्जियम के थिबॉट कॉर्टियस, बेल्जियम के गोलकीपर थिबॉट कॉर्टियस को गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया गया। गोल्डन ग्लव उसको दिया जाता है जो सबसे बेहतरीन गोलकीपर होते हैं। तो थिबॉट कॉर्टियस जो बेल्जियम के गोलकीपर है उनको गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया गया। और स्पेन की टीम ने फेयर प्ले ट्रॉफी का अवार्ड जीता। स्पेन की टीम ने फेयर प्ले ट्रॉफी का अवार्ड जीता जो ग्रुप 16 से ही बाहर हो गई थी, लेकिन उन्होंने फेयर प्ले का अवार्ड जीता। देन फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो इस साल 2018 का मेजबान देश कौन रहा? रशिया। टीम, कितने टीम ने पार्टिसिपेट किया? 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। कितने वेन्यूज पे ये मैच हुए? 12 वेन्यूज पे। फाइनल पोजीशन चैंपियन फ्रांस, और सेकंड टाइटल है उनका, 1998 में पहला टाइटल जीता था उन्होंने। रनर अप कौन रही, उपविजेता कौन रही? क्रोशिया। थर्ड प्लेस बेल्जियम को, चौथा प्लेस इंग्लैंड को जाता है। और कम से कम 260 करोड़ रुपए जो है वो इतना अमाउंट जो है उनको एज अ प्राइज मनी दिया जाएगा। फ्रांस को 260 करोड़ के लगभग जो है प्राइज मनी मिलेगा। और 2022 अगले बार जो वर्ल्ड कप होगा फीफा का, वो कहां पर होगा? तो वो कतर में होगा। और 2026 का फीफा वर्ल्ड कप भी डिसाइड हो चुका है और वो कहां पर होगा? नॉर्थ अमेरिका में होगा, जिसको पहली बार तीन देश मिलकर होस्ट करेंगे, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। 2022 कतर और 2026 तीन देश मिलकर होस्ट करेंगे, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको। और पहली बार 2026 में फीफा के अंदर 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी। अभी तक 32 टीम्स पार्टिसिपेट करती रही हैं फीफा वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन 2026 के अंदर 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। फीफा 1904 में स्टैब्लिश हुआ और फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो फीफा का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। ज्यूरिख में इनका हेडक्वार्टर, और इनके अध्यक्ष का नाम क्या है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जियानी इन्फेंटिनो। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, नेशनल न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले आपके व्यूज ले लेते हैं। और बहुत खूब आप लोगों का यहां पर पार्टिसिपेशन। चलिए ये चीज भी हम आपको टेक्निकल टीम से पता करके जरूर दे देंगे कि रिजल्ट कब आएगा, और इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए हमारे शो के अंदर जिसका नाम है करंट अफेयर्स द वेकअप शो। और हम चलते हैं अगली खबर की तरफ, नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय खबर। वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड चीपेस्ट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन बिहार। तो बिहार में विश्व की पहली और सस्ती स्वच्छ पेयजल परियोजना को शुरू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब ये वर्ल्ड लग गया और इतनी ज्यादा यूनिकनेस इसके साथ जुड़ गई है, तो ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए दुनिया का पहला फर्स्ट एंड चीपेस्ट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है उसका प्रोजेक्ट किस स्टेट में लॉन्च किया गया है। तो योर आंसर वुड बी बिहार। तो इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। द फर्स्ट ऑफ वर्ल्ड्स चीपेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बिहार। तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बिहार में एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है दरभंगा, और वहां पर इसको लॉन्च किया गया है, दुनिया का सबसे चीपेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। दिस वाज लॉन्च बाय सुलभ इंटरनेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सुलभ शौचालय इन द कंट्री। तो ये एक प्राइवेट संस्था आप कह सकते हैं, सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सुलभ इंटरनेशनल, जिसने हमारे भारत के अंदर सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया, और बहुत पहले ही उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की नींव रखने की कोशिश करी। और इनके फाउंडर कौन? बिंदेश्वर पाठक। तो बिंदेश्वरी पाठक ने ये स्टेप उठाया है ड्रिंकिंग वाटर का भी, और वो भी सबसे सस्ता। तो इट वुड बी मैनेज्ड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ दरभंगा नगर निगम।
With the help of this project, the project will easily be able to get pure and clean water only in 50 paisa per liter. तो एक लीटर की कीमत देख लीजिए आप कितनी है, 50 पैसा पर लीटर, और आपको स्वच्छ पानी जो है वो मुहैया करवाया जाएगा, वो भी बिहार के अंदर, और वो भी पहले कहां पर, बिहार में दरभंगा के अंदर. द सुलभ जल प्रोजेक्ट कन्वर्ट्स contaminated pond and river water into safe drinking water. तो सुलभ जल प्रोजेक्ट क्या करेगा, तो वो तालाब और नदियों के दूषित पानी को साफ और पीने लायक बनाएगा, जिसको वो 50 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से बेचेगा. और ये दुनिया का सबसे चीपेस्ट ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है, जिसके अंदर साफ पानी जो है इतनी कम कीमत पर बेचा जा रहा है. तो आगे चलते हैं और जानते हैं अबाउट बिहार के बारे में, क्विक फैक्ट्स ऑफ बिहार. बिहार का फॉर्मेशन कब हुआ था, 22 मार्च 1912, और इसी वजह से 22 मार्च को बिहार दिवस के तौर पर मनाया जाता है. स्टेटहुड इसे कब मिला, राज्य की प्राप्ति कब उसे हुई, 26 जनवरी 1950. कैपिटल इज पटना, जिसे एंशियंट टाइम में पाटलिपुत्र कहा जाता था, जो मगध की राजधानी हुआ करती थी. डिस्ट्रिक्ट 38, गवर्नर सत्यपाल मलिक, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार. वाल्मीकि नेशनल पार्क, बरेला झील, सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कंवर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो दीज आर द साइट्स व्हिच इज सिचुएटेड इन बिहार. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये खबर. उसके बाद अगले नेशनल न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, ये नेशनल न्यूज या इंटरनेशनल न्यूज आप इसे कह लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये खबर. इंडिया बिकम्स वाइस चेयर ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन. तो भारत विश्व सीमा शुल्क संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बना है. तो दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लोगो आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, इसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन. तो देखिए, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं दो देश, या कोई भी दो एंटरप्राइजेस, या कोई भी दो व्यक्ति, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात निर्यात जब किया जाता है, तो उस सिचुएशन में जब सीमा शुल्क लगता है तो उसे हम कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं. और उन सभी चीजों का एक कंट्रोल और रेगुलेशन, नियंत्रण किसके पास होता है, तो दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन. तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के किस क्षेत्र का, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र का, एशिया पैसिफिक क्षेत्र का वाइस चेयरमैनशिप किसको मिली है, तो वो इंडिया को मिली है, वो भी 2 सालों के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो इंडिया हैज बिकम द वाइस चेयर रीजनल हेड ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2018 to 2020. तो 2020 तक, फ्रॉम जुलाई 2018 से जून 2020 तक. द अंडरलाइंग थीम ऑफ द इनॉगरल सेरेमनी इज, और इसका विषय क्या रखा गया इस उद्घाटनी समारोह के अंदर, कस्टम्स फॉस्टरिंग ट्रेड फैसिलिटेशन. तो ये जो कस्टम है, ये जो कस्टम के रूल्स हैं, कस्टम के जो लॉ हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम आते हैं, ये किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जरूर ये व्यापार के अंदर उसको बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए उसमें सहायता प्रदान कर रहे हैं. फैसिलिटेशन का मतलब होता है किसी चीज को आसान बनाना, फॉस्टर का मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ाना. तो व्यापार को आगे बढ़ाने में जो सहायता प्रदान कर रहा है वो कस्टम ड्यूटी, और कस्टम और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इसे बखूबी निभा रहा है. द WCO हैज डिवाइडेड इट्स मेंबरशिप इनटू 6 रीजन. तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सदस्यता को पूरे दुनिया के अंदर 6 रीजन्स में, 6 क्षेत्रों में बांटा हुआ है. उन 6 क्षेत्रों के अंदर, 6 रीजन्स के अंदर, एक रीजन है एशिया पैसिफिक रीजन, और उस एशिया पैसिफिक रीजन की लीडरशिप किसे मिली है, इंडिया को, भारत को. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. देन उसके बाद अबाउट वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स इन ब्रसेल्स बेल्जियम. तो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, और कुनियो मिकुरिया जो जापान के रहने वाले हैं इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ WCO. तो अभी फिलहाल WCO के महासचिव कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, कुनियो मिकुरिया, जो जापान के रहने वाले हैं. तो अगली खबर की तरफ जरूर बढ़ेंगे, लेकिन आपके व्यूज सबसे पहले मायने रखते हैं. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब आप लोगों का यहां पर पार्टिसिपेशन, और बहुत बढ़िया, आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके. तो चलते हैं नेशनल न्यूज की अगली खबर की तरफ. प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन वाराणसी. तो प्रधानमंत्री, जिनका चुनावी क्षेत्र, जहां से वो MP है, वाराणसी, बनारस
यूपी, तो प्रधानमंत्री ने वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तो इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड और लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स क्यूमुलेटिवली वर्थ ओवर रुपीज 900 करोड़ इन वाराणसी। अमंग द प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेटेड आर, तो 900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है उसकी आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी क्षेत्र से, जिसका नाम है वाराणसी जो यूपी में है। और अमंग द प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेटेड आर द वाराणसी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, तो वाराणसी के अंदर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया गया है। एंड वाराणसी बलिया मेमू ट्रेन एमईएमयू जो है मेमू ट्रेन जो है इसको लॉन्च किया है। तो ये डेमू से किस तरह से अलग हुआ, देखिए सबसे फेमस ट्रेन जो है लोकल ट्रेन उसे डेमू कहा जाता है, डीईएमयू डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, जो डीजल जो प्राथमिकता उनकी क्या होती है, डीजल से चलना, ईंधन से चलना, ठीक है, बाद में इलेक्ट्रिक भी हो सकता है वो, लेकिन मेमू जो है ये अत्याधुनिक ट्रेन है जिसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक और बिजली से चलता है, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ मेमू। तो मेमू ट्रेन होते हैं, छोटे लोकल ट्रेन्स होते हैं, तो वाराणसी बलिया के बीच में मेमू ट्रेन चलाई जाएगी। द फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड फॉर द पंचकोशी परिक्रमा मार्ग एंड सेवरल प्रोजेक्ट्स अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन एंड नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो पंचकोशी परिक्रमा मार्ग भी बनाया जाएगा और उसके अलावा नमामि गंगा और स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर भी वेरियस प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया। द पीएम आल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर एन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इन वाराणसी। तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी खोला जाएगा, केंद्र भी खोला जाएगा वाराणसी के अंदर। और ही आल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इन आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में उन्होंने एक एक्सप्रेसवे की भी नींव रखी है जिनका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। देन हम आगे बढ़ेंगे, अबाउट उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट्स कितने उत्तर प्रदेश में 75, गवर्नर कितने हैं राम नाइक, गवर्नर कौन है राम नाइक, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, दुधवा नेशनल पार्क और जो है बहुत ही फेमस नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, और देन स्टेट एनिमल इज स्वैम डियर, स्टेट बर्ड इज सारस क्रेन, स्टेट ट्री इज अशोका ट्री, स्टेट डांस इज कथक, स्टेट स्पोर्ट इज फील्ड हॉकी। उसके बाद हम बढ़ चलते हैं अगली खबर की तरफ। MCA constitute 10 member committee to review offences under Companies Act 2013. तो MCA का मतलब क्या है? Ministry of Corporate Affairs. Ministry of Corporate Affairs ने 10 सदस्य कमेटी गठित की है Companies Act 2013, मतलब कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपराधों की समीक्षा के लिए 10 सदस्य समिति का गठन किया गया है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में जो सजा है, जो कुछ पनिशमेंट्स हैं, उसकी समीक्षा करने के लिए कि किन किन पनिशमेंट्स को खत्म किया जा सकता है और उसके अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाए जा सकते हैं, उसकी समीक्षा करने के लिए ये कमेटी गठित की गई है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 10 मेंबर कमेटी हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर मिस्टर इंजेटी श्रीनिवास। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन कि इस कमेटी के एमसीए के द्वारा क्रिमिनलाइजेशन को और डीक्रिमिनलाइजेशन को चेक करने के लिए, पनिशमेंट्स को चेक करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है 10 सदस्य कमेटी, उसके चेयरमैन कौन है, उसके अध्यक्ष कौन है, उसको हेड कौन कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी इंजेटी श्रीनिवास उनके अध्यक्ष हैं। फॉर रिव्यू ऑफ द पीनल प्रोविजंस इन द कंपनीज एक्ट 2013, इट हैज बीन सेटअप टू एग्जामिन डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो कुछ ऑफेंसेस को, कुछ अपराधों को खत्म कर दिया जाएगा, उसकी सजा जो है उसे खत्म कर दिया जाएगा। द कमेटी शैल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद 30 डेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कंसिडरेशन ऑफ इट्स रिकमेंडेशन। तो ये जो कमेटी बनी है वो 30 दिनों के अंदर अपना सुझाव जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार को सबमिट करेगी और उसके ऊपर केंद्र सरकार आखिरी फैसला करेगी। और आपको क्या करना है, तो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सम ऑफेंसेज मेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इट्स अ नेम ऑफ द कमेटी एंड द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज इंजेटी श्रीनिवास हु इज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। देन आगे चलते हैं, अबाउट एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करें तो मिस्टर पीयूष गोयल इज द करंट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ड्यू टू अरुण जेटली जी अभी अनहेल्दी है,
अभी स्वस्थ नहीं है अरुण जेटली जी, तो उनकी जगह पे मिस्टर पीयूष गोयल इज द मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर। अगली खबर की तरफ चलेंगे, नेशनल न्यूज की तरफ, स्टेट न्यूज की तरफ, राज्य खबर की तरफ, राष्ट्रीय खबर की तरफ, और ओडिशा गवर्नमेंट फिर से न्यूज है। तस्वीर में आपको कौन दिख रहे हैं, नवीन पटनायक जी जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ओडिशा गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स हेरिटेज कैबिनेट, ओडिशा सरकार ने विरासत कैबिनेट का गठन किया, हेरिटेज कैबिनेट का गठन किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए किस स्टेट गवर्नमेंट ने हेरिटेज कैबिनेट, हेरिटेज विरासत कैबिनेट का गठन किया है, तो योर आंसर वुड बी ओडिशा गवर्नमेंट। खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ओडिशा गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड हेरिटेज कैबिनेट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक टू प्रिजर्व द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ ओडिशा एंड एनरिच उड़िया लैंग्वेज फर्दर। तो ओडिशा जो है अपने आप में बहुत ही सुखी और संपन्न, उनका एक विरासत है, उनका एक हेरिटेज है, उनका एक कल्चर है, उसको संरक्षित करने के लिए, कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने कमेटी बनाई है, उन्होंने कैबिनेट बनाया जिसका नाम है हेरिटेज कैबिनेट, जिसके चीफ कौन होंगे, तो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। द कैबिनेट कंप्राइजेस 8 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, तो इस कैबिनेट के अंदर 8 सदस्य होंगे जिसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल है। द अदर मेंबर्स आर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, उड़िया लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर एंड टूरिज्म, हैंडलूम्स, टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट, SC/ST डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन, स्कूल एंड मास एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। तो अपने जितने भी मंत्री हैं आप खुद देख लीजिए, सभी मेन मंत्रालय हैं उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट के, उन सभी मेन मंत्रियों को उन्होंने अपने उस कमेटी के अंदर, उस कैबिनेट के अंदर जगह दी है जिसका नाम है हेरिटेज कैबिनेट, और ये किसके द्वारा, ओडिशा के द्वारा। तो बात करेंगे अबाउट ओडिशा, ओडिशा के बारे में जानेंगे, तो स्टेटहुड जो है ओडिशा को कब मिला, 1 अप्रैल 1936। कैपिटल इज भुवनेश्वर, लार्जेस्ट सिटी इज भुवनेश्वर, डिस्ट्रिक्ट 30, गवर्नर इज गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर इज नवीन पटनायक, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन ओडिशा, चिल्का लेक जो बहुत ही बड़ा लेक है लोकेटेड इन ओडिशा, इज द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर प्रवासी पक्षियों का सबसे बड़ा घर है ये, सर्द के मौसम में, सर्दियों के मौसम में देश विदेश से पक्षी जो है यहां पर अपना घर बनाते हैं, तो प्रवासी पक्षियों का सबसे बड़ा घर है ये विंटर्स में, और वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ स्टेट सिंबल्स की बात कर सकते हैं अबाउट ओडिशा, तो स्टेट एम्बलम ऑफ ओडिशा इज कोनार्क हॉर्स, लैंग्वेज इज उड़िया, सॉन्ग, और अगर हम सॉन्ग की बात करें तो स्टेट सॉन्ग इज बंदे उत्कल जननी, उत्कल मतलब एंशियंट टाइम में उत्कल कहा जाता था, और उसके बाद इसका नाम जो है कलिंग भी रहा, उत्कल कलिंग ये इनका नाम रहा। देन डांस इनका सबसे फेमस है ओडिसी, एनिमल सांभर, बर्ड इंडियन रोलर, फ्लावर ब्लू वाटर लिली, ट्री इज इंडियन फिग ट्री। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसको नोट डाउन कर जरूर करिएगा, स्पेशली ओडिशा के स्टूडेंट्स। नेशनल न्यूज की अगली खबर, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन लॉन्चेस स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 को लॉन्च किया। तो यहां पे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, तो ग्रामीण गांव के रूरल एरियाज का सर्वेक्षण होगा, एक सर्वे होगा, और उनकी रैंकिंग निकाली जाएगी कि सबसे साफ गांव कौन सा है, और ये पब्लिश किया जाएगा 2 अक्टूबर को। तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन लॉन्चेस द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण इन दिल्ली। An independent survey agency will conduct the survey in all districts and the results will be announced in the form of ranking of all districts and states on the basis of quantitative and qualitative sanitation parameters. तो दोनों ही तरीकों से आंकड़े भी किए जाएंगे और रिमार्क्स भी दिए जाएंगे, और जिसमें जिस भी स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है 2 अक्टूबर को उन्हें अवार्ड भी दिया जाएगा और उनके नामों की घोषणा भी होगी। ऑब्जेक्टिव इसका उद्देश्य क्या है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का, इज टू अंडरटेक अ रैंकिंग ऑफ स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस अटेंड ऑन की क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पैरामीटर्स। तो स्वच्छ भारत मिशन दो पार्ट्स में बटा है, ग्रामीण और शहरी, मतलब रूरल और अर्बन, उन पैरामीटर्स के ऊपर आपके स्टेट्स जो है वो किस तरह से खरे उतरते हैं
उसको चेक करने के लिए ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो है उसे कंडक्ट किया जाएगा। आगे चलेंगे, अबाउट मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फाउंडेड इन 2011, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, ऑफिस होल्डर उमा भारती इज द मेन मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और रमेश जिगाजी नेगी मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो राज्य मंत्री कौन है इनके ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के, उनका नाम है थोड़ा डिफिकल्ट सा नाम उनका कास्ट, रमेश जिगाजी नगी इज द स्टेट मिनिस्टर फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। लेकिन मेन मिनिस्टर का नाम आप जरूर याद रखिएगा, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इज उमा भारती। आगे चलेंगे नेशनल न्यूज की अगली खबर की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, 4 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा 4 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामित किया गया और वो 4 सदस्य उनमें से कौन कौन है 4 सदस्य, तो राष्ट्रपति ने राकेश सिन्हा, सोनल माल सिंह समेत 4 हस्तियों को राज्यसभा में किया मनोनीत। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फॉर्मर एमपी, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर सांसद राम शकल, देन आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आइडियोलॉग राकेश सिन्हा, मतलब आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा, क्लासिकल डांसर सोनल मानसिंह एंड स्टोन आर्टिस्ट पत्थर कला मूर्ति जो है स्टोन आर्टिस्ट रघुनाथ मोहपात्रा वर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। द नॉमिनेशंस वर मेड बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो प्रधानमंत्री के सलाह के ऊपर वो 12 मेंबर्स तो नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अभी वेकेंट कितनी सीटें थी, तो 4 सीट्स वेकेंट्स थे, 4 सीट्स वैकेंट्स थे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाने पर, तो उन चारों को की वैकेंसी को फिल कर दिया गया है। और वो कौन कौन है, राम शकल जी, राकेश सिन्हा जी, सोनल मानसिंह जी और रघुनाथ मोहपात्रा जी। आगे चलेंगे और जानेंगे इसके लीगल और टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में। आर्टिकल 80(81)(a) आर्टिकल 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए of the constitution provides that the president can nominate to the Rajya Sabha 12 persons having the knowledge in literature, science, art and social service. तो practical experience अगर उनको साहित्य के अंदर हो, विज्ञान के अंदर हो, कला के अंदर हो या समाज सेवा के अंदर हो, तो उनको मनोनीत कर सकते हैं, नामित कर सकते हैं प्रेसिडेंट। और कितने मेंबर्स कर सकते हैं, 12 राज्यसभा में। देर वर 8 नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द राज्यसभा एंड 4 वैकेंसीज विच वर फिल्ड ऑन सैटरडे। तो शनिवार को इस वैकेंसी को फिल कर दिया गया, 8 ऑलरेडी हैं अभी, लेकिन 4 खाली थे उनको फिल कर दिया गया इन 4 नामों से। देन अबाउट राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो अभी कौन है, वेंकैया नायडू इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सीट्स टोटल मैक्सिमम सीट्स जो है राज्यसभा की 250 जा सकती है, मैक्सिमम सीट्स 250 जा सकती है, जिसमें 238 इलेक्टेड होते हैं राज्यों के द्वारा और 12 नॉमिनेटेड होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन फिलहाल कितनी सीट्स हैं राज्यसभा में, 245, जिसमें से 233 इलेक्टेड हैं और 12 नॉमिनेटेड हैं। लीडर ऑफ द हाउस, हाउस के लीडर कौन है, अरुण जेटली बीजेपी सिंस 2 जून 2014। लीडर ऑफ द हाउस कौन है, अरुण जेटली। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है, गुलाम नबी आजाद, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। इस खबर के बाद अगली खबर की तरफ जरूर चलेंगे, लेकिन आपके व्यूज भी ले लेते हैं यहां पर। चलिए, बहुत खूब, बहुत बढ़िया यहां पर आप सभी का पार्टिसिपेशन, और आप लोग यहां पर बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं, ये देखकर बहुत खुशी होती है। इसी तरह से सहयोग करते रहे, उनका भी, हमारा भी और हमारे इस चैनल का भी, और इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साथ जुड़ सके। कुछ खबरों के बाद हम आपके फेवरेट जोन की तरफ आएंगे, दैट इज क्विज, तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। इंटीग्रेटेड इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर इनॉग्रेटेड इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में एकीकृत भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये आपको तस्वीर में कौन दिख रहे हैं, तो राजनाथ सिंह, हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, जो बांग्लादेश के दौरे पर गए और वहां पर उन्होंने ये समझौता किया। तो बांग्लादेश में एकीकृत भारतीय वीजा, तो इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर IVAC, इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर इनॉग्रेट किया बांग्लादेश के अंदर। अ न्यू इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर वॉज ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके बांग्लादेशी समकक्ष, मतलब वहां के होम मिनिस्टर असादुजमान
Khan at Dhaka Jamuna Future Park. Rajnath Singh is presently in Bangladesh on a three-day visit. He also inaugurated Bangladesh-India Friendship Building in Bangladesh Police Academy in Sardha. तो वहां के सारदा नाम की जगह पर बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया राजनाथ सिंह ने, पुलिस एकेडमी का उद्घाटन। अबाउट बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की पीएम कौन है अभी? शेख हसीना। कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इज ढाका। करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज टका। बांग्लादेश की संसद को बोलते हैं जतिया संसद। और बांग्लादेश कब फॉर्म हुआ था? 1971 में भारत की मदद से। ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश इन 1971 विद द हेल्प ऑफ मुक्ति वाहिनी सेना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। इन अ फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज, अलग न्यूज, अगली न्यूज। इन अ फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान टू बी पार्ट ऑफ एंटी टेरर SCO ड्रिल इन रशिया। तो अगस्त में पहली बार भारत और पाकिस्तान के सैनिक एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। जी हां, लड़ाई के अलावा एक साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाएगा। भारत, पाकिस्तान और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाकी सदस्य देशों के सैनिक एक एक्सरसाइज करेंगे अगस्त 2018 में, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो पहली बार भारत, पाकिस्तान, रूस में आतंकवाद विरोधी SCO ड्रिल का हिस्सा बनेंगे। इस खबर को डिटेल में करते हैं। मिलिट्रीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी पार्ट ऑफ अ मेगा एंटी टेरर ड्रिल इन रशिया नेम्ड पीस मिशन। तो इसका नाम नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगस्त में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जिसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना के अंदर। तो SCO के द्वारा एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आतंकवाद को खत्म करने के लिए, जिसका नाम है पीस मिशन, जिसमें SCO के सभी सदस्य देश पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी है। तो इन अगस्त 2018 विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विद एन एम टू एक्सपैंड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज टू डील विद टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। अराउंड 200 आर्मी एंड एयर फोर्स पर्सोनल फ्रॉम इंडिया विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज एट चेलियाबिंस्क सिटी इन रशिया। तो रशिया के कौन से शहर में? चेलियाबिंस्क नाम के जगह पर यह एक्सरसाइज होगी। द एक्सरसाइज विल बी ज्वाइंड बाय ऑल SCO मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो देखिए, इंडिया, पाकिस्तान के अलावा ये सभी देश जो है वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, जो मेंबर्स हैं SCO के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। अबाउट रशिया, रशिया की कैपिटल इज मॉस्को, करेंसी ऑफ रशिया इज रूबल, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इज व्लादिमीर पुतिन। आगे चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की अगली खबर की तरफ। सुषमा स्वराज एम्बार्क्स टू डे विजिट टू मनामा। मनामा इज द कैपिटल ऑफ बहरीन। बहरीन की कैपिटल मनामा में दो दिवसीय दौरे पर सुषमा स्वराज जी। तो सुषमा स्वराज ने मनामा के दो दिवसीय दौरे की शुरुआत करी और यहां पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एम्बार्क्ड ऑन अ टू डे विजिट टू मनामा टू को चेयर, सह अध्यक्षता करेंगी वहां पर वो सेकेंड हाई ज्वाइंट कमीशन मीटिंग विद हर बहरीनी काउंटर पार्ट। तो अपने बहरीनी समकक्ष मतलब बहरीन के विदेश मंत्री के साथ वो दूसरी उच्च स्तर की एक संयुक्त आयोग की मीटिंग को अटेंड करेगी, जहां पर वो बहरीन और इंडिया के द्विपक्षीय रिश्तों के ऊपर बात करेंगी, बायलेटरल रिलेशंस के ऊपर बात करेंगी। तो ड्यूरिंग द विजिट मिसेस स्वराज विल इनॉग्रेट द न्यू चांसरी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स एंड एड्रेस द इंडियन कम्युनिटी, और वहां पर भारतीय समुदाय को भी वो संबोधित करेंगी। और शी विल आल्सो होल्ड मीटिंग्स विद द पॉलिटिकल लीडरशिप, और वहां के जितने भी नेता हैं, शीर्ष नेता, उनके साथ भी उनकी बातचीत होगी, जिससे बहरीन और इंडिया का रिश्ता जो है वो एक अलग लेवल पर आए, वो एक अलग मुकाम पर आए। आगे चलते हैं। मनामा, मनामा इज द कैपिटल ऑफ बहरीन। बहरीन की राजधानी है मनामा, और दिनार इज द करेंसी ऑफ बहरीन। बहरीन की करेंसी क्या है? दिनार। तो ये दिख रहा है आपको मैप में कहां पर है मनामा और कहां पर है बहरीन, जिसे आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर, जिससे आपको आसानी होगी। सऊदी अरब, रियाद, इराक, ईरान, UAE, ये सभी देश इसके आसपास हैं, और गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ जो है वो इसके साथ भी लगता है। आगे चलेंगे और अग्रीमेंट की तरफ चलेंगे। इंडिया बांग्लादेश साइंड रिवाइज ट्रेवल अरेंजमेंट RTA 2018। तो तस्वीर में आपको फिर से राजनाथ सिंह दिख रहे हैं। तो राजनाथ सिंह जब बांग्लादेश के दौरे पे गए तो उन्होंने एक और अग्रीमेंट किया, इंडिया बांग्लादेश साइन रिवाइज ट्रेवल अरेंजमेंट RTA 2018। भारत बांग्लादेश ने संशोधित यात्रा व्यवस्था 2018 पर हस्ताक्षर किया। संशोधित यात्रा व्यवस्था रिवाइज ट्रेवल अरेंजमेंट RTA 2018 बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड हिज बांग्लादेशी काउंटर पार्ट चेयर मीटिंग इन ढाका
During the meeting, India and Bangladesh signed the revised travel arrangement. Home Minister Rajnath Singh co-chaired India-Bangladesh Home Minister level talks in Dhaka on Sunday. The Home Minister, who was on a visit to Bangladesh on Saturday, called on Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina to discuss a range of bilateral and regional issues of mutual interest. तो देखिए वीजा अरेंजमेंट के अलावा उन्होंने यहां पर बात करी है द्विपक्षीय रिश्तों के भी, जहां उन्होंने कहा कि किस तरह से क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाया जाए, और उन्होंने शेख हसीना जी को भी इनवाइट किया कि आप यहां पर आइए और आगे बढ़कर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसे सुलझा लिया जाए। और इसी के तहत हम चलेंगे की फैक्ट्स की तरफ। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह अलोंग विद हिज बांग्लादेश काउंटर पार्ट ओपन द सेंटर द लार्जेस्ट इंडियन वीजा सेंटर इन द वर्ल्ड बाय हैंडिंग ओवर पासपोर्ट विद इंडियन वीजा टू अ कपल ऑफ वीजा एप्लीकेंट्स। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इंडियन वीजा सेंटर कहां पर है, तो वो है बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट इंडियन वीजा सेंटर इन द वर्ल्ड वो कहां पर ओपन किया गया, बांग्लादेश के अंदर किया गया। फॉलोइंग द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनाउंस द विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग ई टोकन सिस्टम फॉर सबमिशन ऑफ वीजा एप्लीकेशन। तो ई टोकन सिस्टम को खत्म करके उन्होंने यहां पर इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर को खोला, जिससे बांग्लादेशी लोगों को भारत आने में सहायता मिलेगी और उनको ज्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। आगे चलेंगे, जानेंगे अपॉइंटमेंट की तरफ। भूषण स्टील नाम की कंपनी है, भूषण स्टील ने अपॉइंट किया टाटा स्टील के टीवी नरेंद्रन को अपने चेयरमैन के तौर पर। भूषण स्टील ने टाटा स्टील के टीवी नरेंद्रन को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। तो अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, भूषण स्टील हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ टीवी नरेंद्रन एज चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो भूषण स्टील ने अपना चेयरमैन किसे नियुक्त किया है, तो टाटा स्टील के टीवी नरेंद्रन को। आगे चलेंगे अपॉइंटमेंट की तरफ। हरियाणा गवर्नर गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा के गवर्नर कौन है, कप्तान सिंह सोलंकी, और उन्हें हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर आचार्य देवव्रत जो है कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर है। तो हरियाणा गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी गेट्स एन एडिशनल चार्ज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये न्यूज। तो हरियाणा गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी वॉज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ हिमाचल प्रदेश प्रदेश बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो किनके द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है गवर्नर की, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है। आचार्य देवव्रत जो छुट्टी पर है उनकी जगह पर कुछ दिनों के लिए एडिशनल चार्ज मिला है हरियाणा के गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी को, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर काम करने का। तो हरियाणा की बात आ गई तो हरियाणा की बात कर लेते हैं। स्टेटहुड इन्हें कब मिला, 1 नवंबर 1966। पंजाब से अलग हुआ और हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल इज चंडीगढ़, लार्जेस्ट सिटी इज फरीदाबाद, डिस्ट्रिक्ट इज 22, गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, कलेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहां पर है, तो वो हरियाणा के अंदर है। स्टेट सिंबल्स की बात करें हरियाणा की, स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा इज ब्लैक बक काला हिरण, बर्ड इज ब्लैक फ्रेंकोलिन, फ्लावर इज लोटस, ट्री इज पीपल। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगला न्यूज जो है वो भी हरियाणा से रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड है। तो हरियाणा टॉप स्टेट इन पर कैपिटा रेवेन्यू कलेक्शन अंडर जीएसटी। तो जीएसटी के तहत प्रति व्यक्ति राजस्व संग्रह में हरियाणा शीर्ष राज्य पे रहा। तो पर कैपिटा जीएसटी रेवेन्यू जनरेट करने में हरियाणा नंबर वन पे रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जब आपसे पूछा जाए कि बताइए पर कैपिटा जीएसटी कलेक्शन के मामले में कौन सा स्टेट नंबर वन पे रहा, तो यह आंसर इज हरियाणा। हरियाणा हैज टॉप्ड अदर स्टेट्स इन पर कैपिटा रेवेन्यू कलेक्शन अंडर जीएसटी एंड इज आल्सो द फोर्थ हाईएस्ट जनरेटर ऑफ ई वे बिल्स इन द कंट्री। और सबसे ई वे बिल जनरेट करने में वो चौथे नंबर पे रहे और जीएसटी कलेक्ट करने के मामले में वो पहले नंबर पे रहे। तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कैप्टन अभिमन्यु क्लेम्ड हरियाणा हैज वाइडेंड द टैक्स बेस बाय 82.22% एंड लॉग्ड 19% हाइक इन रेवेन्यू कलेक्शन। अबाउट 1.12 करोड़ ई वे बिल्स वर जनरेटेड इन हरियाणा बिटवीन अप्रैल 2018 टू जून 30, 2018, कैप्टुलेटिंग द स्टेट टू द पोजीशन ऑफ फोर्थ हाईएस्ट जनरेटर ऑफ ई वे बिल्स इन द कंट्री। आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा कि बताइए इससे रिलेटेड। तो ये देख लीजिए, फिर से हरियाणा की बात आई है जो हम पीछे कर चुके हैं। तो हम आगे चलते हैं और जानेंगे इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। WPI इन्फ्लेशन एट 4.5% ईयर हाई, ग्रोस
5.77% इन जून। WPI मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, जब देखिए यहां पे वस्तु है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, ये फल ये सब्जियां और इसके अलावा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप कंज्यूम करते हो उपभोक्ता के तौर पर, अगर उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज और जो भी चीज हम कंज्यूम करते हैं अगर उनका औसत प्राइस, अगर उनका एवरेज प्राइस ऊपर की तरफ जाए तो उसे इन्फ्लेशन महंगाई कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, और अगर वो नीचे की तरफ आए तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं, सस्ताई कहते हैं। तो यहां पे 4.5 साल के अंतराल में होलसेल प्राइस इंडेक्स, देखिए दो तरीके से महंगाई को काउंट किया जाता है, इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने जैसे बताया प्लेलिस्ट में जाइए और इन्फ्लेशन का लेक्चर मेरे द्वारा जरूर देखिए, आपको आसान लगेगा और समझ में भी आएगा। तो WPI मुद्रास्फीति 4.5 वर्ष के उच्चतम स्तर पर जून में 5.77% की वृद्धि दर्ज करी इसने। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन ग्रूज 5.77% इन जून, अ 4.5 ईयर हाई ड्रिवन बाय सम फूड आइटम्स इन फ्यूल प्राइस। तो देखिए खाद्य पदार्थ और ईंधन के प्राइस का ऊपर जाने के कारण 4.5 साल के अंतराल में ये जून महीने में कितने ऊपर चला गया, 5.77% पे ये चला गया। पीयूष गोयल इज द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर एंड होलसेल इन्फ्लेशन रेट मेजर्ड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स इज अ मार्कर फॉर प्राइस मूवमेंट्स इन बल्क बाइज फॉर ट्रेडर्स एंड ब्रॉडली मिरर्स ट्रेंड्स इन शॉप एंड प्राइसेस। तो दुकानों के ऊपर जो अंतिम प्राइस होता है, जो हमारे द्वारा खरीदा जाता है, अगर वो अंतिम प्राइस औसत वस्तुओं का बढ़ जाए तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। एवरेज गुड का जो एंड प्राइस होगा अगर वो इंक्रीज करे तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसे होलसेल इन्फ्लेशन रेट से नापा जाता है। नेक्स्ट न्यूज करेंगे, SBI एंड नाबार्ड टाई अप फॉर क्रेडिट इन तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य में क्रेडिट मतलब उधार देने के लिए स्टेट बैंक और इंडिया और नाबार्ड ने किया गठबंधन। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर अपकमिंग बैंकिंग अवेयरनेस एग्जाम, तो इसे नोट डाउन करिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हैव ज्वाइंट हैंड्स टू प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री मतलब गिरवी के बगैर क्रेडिट थ्रू ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप्स इन तेलंगाना। तो तेलंगाना के अंदर गिरवी के बगैर कोलेट्रल फ्री लोन क्रेडिट दिया जाएगा SBI और नाबार्ड के द्वारा ज्वाइंटली बाय ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप्स। द टू साइंड एन MOU अलॉन्ग विद 7 NGOs फ्रॉम निजामाबाद मेडक वारंगल डिस्ट्रिक्ट फॉर द प्रमोशन एंड क्रेडिट लिंकेज ऑफ 2000 JLGs ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो यहां पर ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप्स के साथ ये NGOs के साथ इन्होंने समझौता किया है, जहां पर तेलंगाना के स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को और इस तरह के NGOs को हेल्प करने के लिए क्रेडिट दिए जाएंगे, जहां से तेलंगाना का विकास जो है डेवलपमेंट जो है वो संभव हो सके। तो आपको क्या याद रखना है कि फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना SBI और नाबार्ड ने यहां पर कोलेट्रल फ्री क्रेडिट देने के लिए एक अग्रीमेंट किया है, एक समझौता किया है। देन बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन इज रजनीश कुमार। हेडक्वार्टर ऑफ SBI इज इन मुंबई। एस्टैब्लिश ऑन 1 जुलाई 1955। नेशनलाइजेशन ऑफ SBI इन 1956। नाबार्ड के चेयरमैन हर्ष कुमार भावला। हेडक्वार्टर इन मुंबई। नाबार्ड का भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। और एस्टैब्लिश कब हुआ था नाबार्ड, 12 जुलाई 1982। अगली खबर की तरफ चलेंगे और अगला न्यूज ये है, LIC बोर्ड अप्रूव्स IDBI बैंक स्टेक परचेज। LIC बोर्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोर्ड ने IDBI बैंक के स्टेक को खरीदने की मंजूरी दे दी है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, द बोर्ड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर द इंश्योरर टू होल्ड अ 51% स्टेक इन IDBI बैंक। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अभी कुछ लॉस देख रहा है, लॉस से जूझ रहा है और क्राइसिस फेस कर रहा है, वहां पर LIC जो है वो IDBI के अंदर 51% स्टेक का मतलब है इंटरेस्ट, हितधारक बनेगा 51% का। द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय सुभाष चंद्र गर्ग, सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के। द लाइफ इंश्योरेंस हैज अराउंड 7.5% स्टेक इन IDBI, नॉट LIC। तो IDBI में अभी 7.5% का स्टेक है, हित है LIC का IDBI के अंदर, लेकिन अब कितना होगा, 51%। तो एट प्रेजेंट एंड विल अक्वायर द रिमेनिंग स्टेक फ्रॉम द गवर्नमेंट। और बाकी के जो स्टेक, बाकी के जो हित सरकार के हैं IDBI के अंदर, तो सरकार का हित कौन ले लेगा, LIC, और फिर LIC के पास 51% स्टेक हित होगा
किसका, आईडीबीआई का, जो जूझ रहा है अभी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से. तो यूजिंग दिस रूट रेदर देन एलआईसी डायरेक्टली बाइंग द गवर्नमेंट स्टेक इन आईडीबीआई बैंक विल इंश्योर दैट द बैंक रिसीव्स द कैपिटल, और इससे बैंक को पूंजी की प्राप्ति होगी, कैपिटल की प्राप्ति होगी, जिससे बैंक दोबारा से ट्रैक के ऊपर आ सकेगा. आगे चलते हैं और जानते हैं क्विक फैक्ट्स ऑफ आईडीबीआई. आईडीबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में, और बी श्रीराम वॉज अपॉइंटेड एज द आईडीबीआई बैंक सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रिसेंटली. तो देखिए, फॉर्मर एमडी ऑफ एसबीआई, एसबीआई के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर बी श्रीराम को अभी रिसेंटली सीईओ और एमडी बनाया गया आईडीबीआई बैंक का, वो भी कुछ समय के लिए. आगे चलते हैं और अवार्ड की तरफ चलते हैं. 8-year-old इंडियन ओरिजिन योगा चैंपियन नेम्ड ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर. 8 वर्षीय भारतीय मूल का योग चैंपियन ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया. तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से योगा कर रहा है ये 8 वर्ष का बच्चा, जिसका नाम है ईश्वर शर्मा, हु इज द अंडर 11 कैटेगरी के अंदर नेशनल योगा चैंपियनशिप हुआ और उसके अंदर उन्होंने प्राइज जीता. और ये कॉम्पिटिशन कहां पर हुआ, विनीपेग कैनेडा के अंदर, जहां पर ईश्वर शर्मा ने ये प्राइज जीता और उसको फिर आगे ग्रेट ब्रिटेन ने, यूके ने इनको सम्मानित किया और ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा ईश्वर शर्मा को. तो भारतीय मूल के हैं तो इस वजह से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अदर न्यूज की तरफ चलेंगे. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लिफ्ट्स बैन ऑन फोटोग्राफी एट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स. एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित स्मारकों की फोटोग्राफी से प्रतिबंध हटा दिया है. तो कुछ प्रतिबंध उन्होंने हटा दिया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कि टूरिज्म को और प्रमोशन मिले और जो टूरिस्ट हैं, जो सैलानी हैं, वो और ज्यादा आकर्षित हो सके इन प्लेसेस के ऊपर. तो उन्होंने फोटोग्राफी से जो बैन लगाया था वो बैन हटा लिया है. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू अलाउ फोटोग्राफी विद इन द प्रीमिसेस ऑफ ऑल सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स. तो केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी मॉन्यूमेंट्स को संरक्षित करती है एएसआई, वहां से प्रतिबंध हटा लिया है. लेकिन हाउएवर लग गया वर्ड, कंट्रास्ट वर्ड लग गया यहां पर. तो हाउएवर द 3 मॉन्यूमेंट साइट्स इन विच द फोटोग्राफी वुड नॉट बी परमिटेड आर अजंता केव्स, ले पैलेस हैविंग पेंटिंग्स एंड मुस्लिम ऑफ ताज महल आगरा. तो ताज महल आगरा की समाधि, ताज महल की तो आप फोटो ले सकते हो, लेकिन ताज महल आगरा के अंदर जो समाधि है उसकी फोटो नहीं, लेह पैलेस है जिसमें पेंटिंग है, लेह पैलेस, उसकी फोटो नहीं, और अजंता केव्स के अंदर फोटो नहीं ले सकते आप. ये अभी भी बनाई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा. और इसके बाद बात करेंगे अबाउट एएसआई. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के लिए और कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए इन विरासतों के लिए. 1861 में ब्रिटिश इंडिया के द्वारा इसे एस्टैब्लिश किया गया था और इनके फाउंडर कौन, एलेक्जेंडर कनिंगम वॉज द फाउंडर ऑफ एएसआई. देन बात करेंगे स्पोर्ट्स की खबर. एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, बिकम्स फोर्थ इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 10,000 रन्स इन ओडीआई. तो एक दिवसीय के अंदर, वनडे इंटरनेशनल के अंदर 10,000 रन मारने वाले चौथे भारतीय बने हैं महेंद्र सिंह धोनी आफ्टर सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, और फोर्थ बने हैं एमएस धोनी और पहले विकेट कीपर बने हैं वो. तो महेंद्र सिंह धोनी 10,000 रन कंप्लीट किया, 37 ईयर ओल्ड है, सचिन, सौरभ और राहुल के बाद. देन उसके बाद 300 ओडीआई कैचेस भी उन्होंने लिए हैं और सिर्फ वो एडम गिलक्रिस्ट, मार्क बाउचर और कुमार संगकारा से ही पीछे हैं. मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज. स्पोर्ट्स की अगली खबर, नोवाक जोकोविच विंस फोर्थ विमल्डन बाय बीटिंग केविन एंडरसन. तो विमल्डन टेनिस का एक ग्रैंड स्लैम इंग्लैंड के अंदर खेला जाता है, विमल्डन टेनिस ग्रैंड स्लैम, जिसके मेन सिंगल्स को किसने जीता, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने, जिन्होंने केविन एंडरसन को हराया, जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर है, यंग प्लेयर है, केविन एंडरसन को हराया नोवाक जोकोविच ने और उन्होंने जीता है अपना चौथा विमल्डन का टाइटल. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है. अर्नड हिज फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल इन मोर देन 2 ईयर्स टू विन हिज फोर्थ विमल्डन चैंपियनशिप. और जोकोविच ने सीधे सेटों के अंदर लगातार 3 सेट में उन्होंने केविन एंडरसन, साउथ अफ्रीका के इस प्लेयर को हराया. देन वुमेन्स कैटेगरी में विमल्डन सेम टूर्नामेंट, मेंस में जीता नोवाक जोकोविच सर्बिया ने और वुमेन्स कैटेगरी के अंदर जीता है एंजेलिक कर्बर ने. तो जर्मनी की प्लेयर एंजेलिक कर्बर ने अपना मेडल, अपना पहला विमल्डन टाइटल जीता है वुमेन्स का. और किनको हराकर, महान प्लेयर सेरेना विलियम्स को हराकर, जो अमेरिका से बिलोंग करती है, यूएसए से बिलोंग करती है. तो फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 एंजेलिक कर्बर डिफीटेड 7 टाइम
चैंपियन सेरेना विलियम्स इन द वुमेन सिंगल्स फाइनल टू क्लिंच हर फर्स्ट एवर विंबलडन टाइटल. एंजेलिक कर्बर हेल्स फ्रॉम जर्मनी. और एंजेलिक कर्बर कहां से बिलोंग करती हैं? जर्मनी से बिलोंग करती हैं. द चैंपियनशिप विंबलडन इज द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड. इट इज हेल्ड इन लंडन, यूके. देन स्पोर्ट्स की अगली खबर, पीवी सिंधु अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश लूजेस टू जापान्स नजोमी ओकुहारा इन थाईलैंड ओपन फाइनल. तो बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट थाईलैंड ओपन फाइनल के अंदर जापान की ओकुहारा से हार गई पीवी सिंधु जी. लेकिन रजत पदक इनको जरूर मिला. तो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु टाइटल ड्रॉट दिस ईयर कंटिन्यूड एज शी सफर्ड अ स्ट्रेट गेम डिफीट अगेंस्ट जापान नोजोमी ओकुहारा इन द समिट क्लैश ऑफ यूएस डॉलर $350,000 थाईलैंड ओपन वर्ल्ड टूर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट इन बैंकॉक ऑन संडे. देन आगे चलते हैं, वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप कंक्लूड्स इन ब्राजील. तो ब्राजील में विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप का समापन हुआ. द इंडियन टीम वॉन 4 सिल्वर मेडल्स एंड 5 ब्रॉन्जेस, टोटल 9 मेडल्स एट द 7th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप इन ब्राजीलिया. इजिप्ट रेज देयर मेडल रिकॉर्ड टू 7 एज मोहम्मद अमीन एंड समीरा मौसा एडेड 2 ब्रॉन्ज मेडल. तो इंडियन टीम ने भी यहां पर पार्टिसिपेट किया जिसको 4 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल मिला. और 7वां वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप हुआ कहां पर? तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया के अंदर. अंतिम खबर की बात करें तो अंतिम खबर आपके सामने, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व, विश्व युवा कौशल दिवस 2018 मनाया गया. और यह कब मनाया गया? तो 15 जुलाई को मनाया गया, जिसके अंदर यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर यह मनाया गया 15 जुलाई को, जहां पर किस तरह से युवा वर्ग जो है वो कौशल हो सके, स्किल्ड हो सके, इसके ऊपर ध्यान देने के लिए वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है. इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं, कीप काम एंड लेट्स प्ले क्विज की तरफ. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. 12 एमसीक्यूज आपका इंतजार कर रही है, जल्द से जल्द बढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि अगला शो आपका इंतजार कर रहा है. और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच कंट्री हैज बिकम द वाइस चेयर रीजनल हेड ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, विश्व सीमा शुल्क संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का कौन सा देश उप अध्यक्ष बन गया है, क्षेत्रीय प्रमुख बन गया है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. और ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर जो है आना शुरू हो चुका है, और यहां पर अगला शो आपका इंतजार कर रहा है. इस वजह से इस क्विज सेशन को मैं जल्द से जल्द आगे लेकर चलूंगा. और आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके. और ये रहा आप लोगों का आंसर और बिल्कुल सही उत्तर, इंडिया इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी. अगले क्वेश्चन की तरफ, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड हेरिटेज कैबिनेट टू प्रिजर्व द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ स्टेट, राज्य के इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए किस राज्य सरकार ने विरासत मंत्रिमंडल का गठन किया है? दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. और यहां पर पहले क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा आ रहा है. और सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए यहां पर. और सेकंड क्वेश्चन का भी राइट आंसर आना शुरू हो चुका है आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा. और ये रहा सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर, ओडिशा इज द करेक्ट आंसर. सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, ओडिशा. थर्ड क्वेश्चन, विच कमिटी has been constituted by the central government to review Companies Act 2013. कंपनी अधिनियम 2013 की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी समिति गठित की गई है? इंजिटी श्रीनिवास कमेटी, अविनाश के श्रीवास्तवा कमेटी, राघवेंद्र सिंह कमेटी, संजय मित्र कमेटी. थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही आप लोगों के द्वारा. और यहां पर तीसरे क्वेश्चन का भी उत्तर जो है वो आना शुरू हो चुका है. और बहुत बढ़िया. और थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत बढ़िया आप लोगों के द्वारा. और बिल्कुल सही राइट आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन इज ए, इंजिटी श्रीनिवास कमेटी इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ क्वेश्चन, विद विच कंट्री इंडिया साइंड अ रिवाइज ट्रेवल अरेंजमेंट, किस देश के साथ भारत ने एक संशोधित यात्रा व्यवस्था RTA 2018 को साइन किया है? थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर वॉज ए. फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं. और चौथे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा यहां पर. बहुत खूब आप लोगों का आंसर, बहुत खूब आप लोगों का पार्टिसिपेशन. इसी तरह से लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगले शो के साथ भी जुड़े रहना है जो वोकैब डोज का शो है. और फोर्थ क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों के द्वारा और राइट आंसर इज सी, दैट इज बांग्लादेश. फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज बांग्लादेश. फिफ्थ क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द 2018 फीफा वर्ल्ड कप, किस देश ने 2018 फीफा वर्ल्ड कप जीता? और पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर भी आना शुरू हो चुका है, बांग्लादेश वॉज द करेक्ट आंसर फॉर प्रीवियस क्वेश्चन. और पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर भी आना शुरू हो चुका है आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा. और यहां पर फिफ्थ क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर. तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर आपको दिखा दें. बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है. और पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर इज फ्रांस, सी इज द करेक्ट आंसर. क्रोशिया को हराकर फ्रांस ने दूसरी बार
फीफा वर्ल्ड कप को जीता। छठे क्वेश्चन की तरफ, विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 को लॉन्च किया? छठे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और छठे क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो जल्द से जल्द दीजिएगा यहां पर। और छठे क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है वो आना शुरू हो चुका है। और बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, और छठे क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, बिल्कुल सही उत्तर प्रकाश कुमार दास के द्वारा, अंकित राघव के द्वारा, बहुत बढ़िया। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इज द करेक्ट आंसर। सातवें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच प्लेयर वॉन द गोल्डन बूट अवार्ड इन फीफा वर्ल्ड कप 2018। तो फीफा विश्व कप के अंदर गोल्डन शू का अवार्ड, गोल्डन बूट का अवार्ड जो है वो किसने जीता? तो सातवें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और बहुत बढ़िया आप लोगों का आंसर और पार्टिसिपेशन, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए और लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और सातवें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों के द्वारा आ चुका है और बिल्कुल सही। चलिए, तो सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली हैरी केन, द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड फुटबॉल टीम। और यहां पर सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली हैरी केन इज द करेक्ट आंसर। लुका मॉड्रिक को गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है, गोल्डन बूट का अवार्ड जो है वो हैरी केन को मिला है। आठवें क्वेश्चन की तरफ, हु बिकम्स द फोर्थ इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 10,000 रन्स इन ODIs। ODI में 10,000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? आठवें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जल्द जल्द से हम चार क्वेश्चन को और कंप्लीट करेंगे क्योंकि अगला शो आपका इंतजार कर रहा है। और आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। देखिए, संडे से लेकर ट्यूसडे तक के न्यूज थे, बहुत सारे न्यूज थे, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन पार्टिसिपेट किया और यहां पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज को आज कवर किया है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आठवें क्वेश्चन का भी सही उत्तर जो है आप लोगों ने दिया है और बिल्कुल सही, महेंद्र सिंह धोनी इज द करेक्ट आंसर। नौवें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, व्हेन इज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। MSD इज द करेक्ट आंसर। नौवें क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं और नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। और नाइन्थ क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा आना शुरू हो चुका है और यहां पर बिल्कुल सही, नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज 15 जुलाई इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज 15 जुलाई। टेंथ क्वेश्चन, हु हैज वॉन द 2018 वुमेन सिंगल्स विमल्डन टेनिस टूर्नामेंट। 2018 महिला एकल विमल्डन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो महिलाओं का बताइए कि विमल्डन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता, महिला एकल का खिताब किसने जीता है। और इसी के साथ दसवें क्वेश्चन का भी आंसर जो है बहुत बढ़िया आना शुरू हो चुका है आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा और बहुत खूब। टेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली एंजेलिक कर्बर। टेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज एंजेलिक कर्बर इज द करेक्ट आंसर। इलेवेंथ क्वेश्चन, द LIC बोर्ड हैज अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ अप टू 51% स्टेक इन विच बैंक। LIC बोर्ड ने किस बैंक के साथ 51% हिस्सेदारी अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो इलेवेंथ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि किस बैंक को के अंदर अधिग्रहण को मंजूरी दी है LIC बोर्ड ने और वो भी 51%। चलिए, आपके आपका सजेशन जो है सिर आंखों के ऊपर, लेकिन स्टिल मैं इसके ऊपर सोचने की कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो तरीका हम अपना रहे हैं और जनवरी महीने से ये बड़ा ही कारगर सिद्ध हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं अभी इसे कंटिन्यू करूंगा। लेकिन आपके सजेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 11th क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बिल्कुल सही, IDBI इज द करेक्ट आंसर। अंतिम क्वेश्चन, और ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, द फर्स्ट समिट बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर पुतिन वॉज हेल्ड इन विच सिटी। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच पहला शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में, मतलब कल ही, ये कहां पर हुआ, किस शहर में आयोजित किया गया? तो 12th क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, द फर्स्ट समिट बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ USA एंड व्लादिमीर पुतिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। उन दोनों के बीच में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, इनमें कौन से शहर में? और ये बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और 12th क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा आना शुरू हो चुका है। और एग्जैक्टली द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हेलसिंकी, द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी के अंदर यह आयोजन किया गया और 12th क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, जहां पर USA और रशिया के बीच में तो तल्खी है, कन्फ्रंटेशन है, उसको कम करने की कोशिश की गई और तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत की गई रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा और
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 12 का राइट आंसर इज डी, दैट इज हेलेंस्की। हेलेंस्की इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। इसी के साथ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लेकिन एक मोटिवेशनल कोट के साथ इसे समाप्त करेंगे। व्हेन अ गोल मैटर्स इनफ टू अ पर्सन, दैट पर्सन विल फाइंड अ वे टू अकम्प्लिश वट एट फर्स्ट सीम्ड इम्पॉसिबल। अगर किसी व्यक्ति के लिए उसका लक्ष्य ही सब कुछ है, तो शुरुआत में दिख रही मुश्किलें सबसे आसान लगती हैं और वो अपने लक्ष्य को पा लेता है। यही चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर पीओ क्लर्क या कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपका लक्ष्य है, तो इन मुश्किलातों से और ये तकलीफें जो है, मुझे लगता है कि आपको आसान लग रही होंगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्य जो है वो बहुत बड़ा है। इसी के साथ थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।